नमस्कार। मैं जब भी मित्रों को ऑनलाइन देखता हूँ, दिल में बहुत सुकून होता है कि मैं अकेला ही फुर्सत में नहीं बैठा हूँ, धंधा इनके पास भी नहीं है। मैं तो उस लड़की से ब्याह करूँगा जो सुबह उठ के अलार्म बंद करके मुझसे प्यार से कहे, कोई बात नहीं, सो जाओ। मैंने आज गर्लफ्रेंड से कहा, तुम्हारा नाम हाथ पे लिखूं या दिल पे? तो वो बोली, प्यार ही करते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर पर लिखो ना। ये लड़कियां भी टीवी देख देख कर होशियार हो गई मैंने माँ से कहा, तेरे लिए मेरी क्या कीमत है? माँ बोली, बेटा तू लाखों में नहीं करोड़ों में है। मैं बोला माँ से, करोड़ में से 200 रुपया दे दे, नेट पैक डलवाऊंगा, फिर क्या। माँ बेटे से, बेटा तुम तो पढ़ने में बड़े होशियार हो, फिर ट्यूशन वाले को रखने की क्या जरूरत है? बेटा मासूमियत से, माँ तुम भी तो घर का काम करने में होशियार हो, फिर काम वाली बाई को रखने की क्या जरूरत है? नो 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 नो। लड़का, माँ मुझे 100 रुपये चाहिए, थोड़ा काम है। माँ, क्यों? अभी परसों ही तो दिए थे, पहले इसका हिसाब दो। लड़का, माँ अगर हिसाब ही होना है तो उसका भी हो जाए, जब बचपन में रिश्तेदार दे जाते थे और आप रख लेते। माँ, बेटा क्या कर रहा है? बेटा पढ़ रहा हूँ। माँ, अरे वाह, क्या पढ़ रहा है? बेटा आपकी होने वाली बहू के मैसेज। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता हुआ चप्पल कनपति चलेगा। माँ, मेरे लाल तेरी आंखों में क्यों नमी है? मैं, मेरी माँ तेरे घर में बहू की कमी है, फिर क्या। मोबाइल आने से एक अच्छा काम तो हुआ, जब इंसान फ्री होता है तो मोबाइल चला लेता है। पहले तो नाक में उंगली डाल डाल कर नाक की ऐसी तैसी कर देता है।